तो आईपीएल 2023 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंडर अपना पांचवां आईपीएल टाइटल जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने इतिहास रच दिया और अब आईपीएल 2024 के लिए थाला महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं टू प्ले इन दी आईपीएल 2024। ऐसे में जो भी फैंस सीएसके की ट्रेड स्ट्रेटजी बनाने की बात कर रहे थे मेरे से, यार आप ही बताओ थाला धोनी को एडवाइस देने वाले भला हम कौन होते हैं। लेकिन क्योंकि आप इस चैनल के व्यूअर हो और काफी सारे लोगों ने रिस्पेक्ट की और सीएसके को लेकर के देखो जो टीम चैंपियन चल रही है, जो जिसका इतिहास रहा है, जिसके कैप्टन की स्ट्रेटजी रही है कि वो बहुत ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं, उसको लेकर के यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस सीएसके में नहीं होने वाले हैं, चाहे ट्रेड विंडो हो या फिर मिनी ऑक्शन हो। लेकिन क्योंकि अंबती राइडो जैसा बड़ा प्लेयर जिस पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे सीएसके ने, वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, बेन स्टोक्स को रिलीज करने की खबर आ रही है, अब मोइन अली को रिलीज करने की खबर आ रही है, तो अच्छा खासा बजट यहां पर सीएसके के लिए फ्री हो सकता है। और इसी कुछ बातों पर, मुद्दों पर हम यहां पर गहन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, पिक अप पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि अभी तक आपने जिन टीम्स की ट्रेड विंडो की स्ट्रेटजी की वीडियोस नहीं देखी है उसको जाकर के देख लो, और 2024 के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर के जो भी अपडेट आ रही है सबसे पहले आपको यहीं जानने को मिल रही है। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला काम जो चेन्नई सुपर किंग्स को इस ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में करना होगा वो ये है दैट दे नीड टू पिक गुड रिप्लेसमेंट ऑफ अंबती राइडू, बेन स्टोक्स एंड काइल जेमिसन टाइप के खिलाड़ी जो है। देखो काइल जेमिसन को मुझे नहीं लगता सीएसके रखने वाली है, अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर सिसाडा मंगाला को वो लेकर के आए थे, बट क्या उनके साथ बने रहेंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद बेन स्टोक्स और अंबती राइडू रिटायरमेंट ले चुके हैं और ये वर्ल्ड कप खत्म होते ही बेन स्टोक्स जा रहे हैं इंग्लैंड, जहां पर वो सर्जरी करवाएंगे और सर्जरी के बाद उनको भारत के टूर पर आना है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो उनकी सर्जरी पहले बताई जा रही थी कि भारत की सीरीज के बाद होगी, यानी कि वो T20 वर्ल्ड कप और IPL मिस करेंगे, बट अब चूंकि वो पहले सर्जरी करा रहे हैं एंड ही विल ट्राई एवरीथिंग टू प्ले इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि IPL के लिए भी वो अवेलेबल रह सकते हैं। तो अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि बेन स्टोक्स को यहां पर CSK रिलीज करेगी या नहीं, बट गोइंग बाय द अवेलेबिलिटी इश्यूज ऑफ बेन स्टोक्स एंड हिज फॉर्म एंड फिटनेस एज वेल, मुझे लगता है कि टीम उनको यहां पर रिलीज कर दे, यही टीम के हित में रहेगा, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं और मेरे ख्याल से आप उनको सस्ते दाम पर भी अगर खरीद पाओ तो आपके लिए बेटर होगा। बट क्योंकि धोनी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं तो आई डोंट नो राइट नाउ कि बेन स्टोक्स को लेकर के, क्योंकि उनकी सर्जरी की डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, आप CSK क्या करेंगे। पहले तो क्लियर कट था यार, जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो रख करके क्या करोगे, अगले साल वैसे भी मेगा ऑप्शन है, बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि CSK क्या डिसीजन लेती है। हाँ, मोइन अली की जहां तक बात है, आई डोंट थिंक सो कि उनको CSK रिलीज करने वाली है, बिकॉज येट अगेन अगले साल आपका मेगा ऑप्शन है, एक सीजन है, धोनी ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करते। तो यही पहला काम है कि जो भी प्लेयर आप निकाल रहे हो उनका अच्छा रिप्लेसमेंट लेकर के आओ। सेकेंड पॉइंट मेरा यह है दैट दे नीड टू प्रिपेयर राइट अवे फॉर द फ्यूचर एंड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट कैप्टन एज वेल। एक टाइम पर जडेजा को बैंटन पास किया था लेकिन उसके बाद धोनी ने वापस कमान संभाली है। अब यहां पर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल का यह मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कैप्टन होंगे, बट आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। मैं तो दीपक चाहर की तरफ भी देख रहा हूं लेकिन उनके इंजरी इश्यूज उनके आड़े आ जाते हैं, अदरवाइज आई रियली रियली थिंक कि दीपक चाहर भी चेन्नई सुपर किंग्स के नए कैप्टन हो सकते हैं। आई थिंक सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा बट आई डोंट थिंक सो, अगर CSK उस दिशा में जाती है तो आई विल नॉट बी रियली रियली सरप्राइज। और फिर ऋतुराज गायकवाड़ तो एक कंटेंडर है ही, उसके अलावा संजू सैमसन को ट्रेड करा के लाने या फिर दोबारा खरीदने की बात हुई थी, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि एक बार ये बहुत तगड़े से अपडेट आई थी कि संजू सैमसन से बहुत ज्यादा टच में चेन्नई सुपर किंग्स है, सेम वाज द केस विद KL राहुल, सेम इज द केस विद शुभमन गिल एज वेल। बट राइट नाउ ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चौहान दो ऑप्शन है उनके पास, अगर इनमें से आप तय कर चुके हो तो इनको अभी से तैयार करना होगा, प्लस यंग प्लेयर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बिकॉज ये जो टीम है ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ जाती है। बट अब आपके पास अगर मेगा ऑक्शन का एक आखिरी मौका आपको मिलता है तो उसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। और CSK की तीसरी स्ट्रेटजी इन माय ओपिनियन होगी कि धोनी विल नॉट बी मेकिंग टू मेनी चेंजेस इन द स्क्वाड एंड राइटली सो। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि धोनी का ये स्टाइल है कि वो बहुत ज्यादा चॉपिंग और चेंजिंग में बिलीव नहीं करते हैं। जब 2020 में टीम पहली बार प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई, उसके बाद देखो 2021 में एक चेंज उन्होंने किया, मोइन अली को वो अपनी टीम में लेकर के आए, एक ऑफ स्पिनर उनको चाहिए था तो वो
काम उन्होंने किया। 2022 में टीम ने अच्छा नहीं किया तो बहुत होलसम चेंजेस उन्होंने नहीं किए। एक आधा प्लेयर को लेकर के आए दीपक चहर और मुकेश जैसे खिलाड़ियों की इंजरी से भी वो परेशान हुए, लेकिन उसके बाद तुषार देशपांडे को जिस तरीके से ग्रूम किया, मतीशा पाथीराना को जिस तरीके से ग्रूम किया, तो काफी सारी चीजें चेन्नई सुपर किंग्स ने ठीक की है। और उसमें से सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लेयर्स को सिक्योर रखते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल चौकस रखते हैं और बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करते। हाँ, अगर अपने किसी पुराने खिलाड़ी को वो ट्रेड कराते हैं, समबड़ी लाइक शार्दुल ठाकुर जिनकी उनको मेरे ख्याल से नीड नहीं है, और राजवर्धन हंगरगेकर जैसे जो प्लेयर हैं उनको अब थोड़ा सा मौका यहाँ पर ज्यादा देना चाहिए। ऐसा भी मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिया खेलने की पोटेंशियल वो खिलाड़ी रखता है और एक बहुत ही अच्छा T20 बॉलर बन सकता है, तो उनको खेलते हुए जरूर मैं देखना चाहूंगा। बट बहुत ज्यादा होलसम चेंजेस इस साल भी CSK में हमको नहीं दिखाई देंगे। तो आई होप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन को ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने बताया कि धोनी को सिखाने वाले तो हम कोई नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ उनका पैटर्न मैंने रिकॉग्नाइज किया है और किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी फ्रेंचाइजी पूरा सेटअप काम करता है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई बेन स्टोक्स का क्या होगा। बेन स्टोक्स की सर्जरी पहले होने वाली थी इंडिया टूर के बाद, अब लेकिन इतनी इमरजेंसी आ गई है कि उनको पहले ही सर्जरी करानी पड़ेगी। वर्ल्ड कप से जाते ही उनकी सर्जरी होगी, कम से कम 2-3 महीना ठीक होने में लगेगा। किस तरीके से वो इंडियन टीम इंडियन टूर पे हिस्सा लेंगे अगेंस्ट द इंडियन टीम, क्या शुरुआत के 2-3 टेस्ट मैचेस मिस करेंगे, अगर IPL के लिए वो अवेलेबल रहते हैं तो क्या CSK को उनको यहां पर रिटेन करना चाहिए या फिर रिलीज करना चाहिए। फटाक से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।